कहलाता है कि जी इंग्लैंड की कोर्ट्स, इंग्लैंड का जुडिशल सिस्टम, इंग्लैंड का जस्टिस सिस्टम, सबने आपने सुना है पिछले 20 सालों से ये बात वो कर रहे हैं। तो दो लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक एनसीए का केस, एनसीए जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, एआरयू के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहाँ मज़े करते रहे, और फिर 18 महीने वो केस चला एनसीए का जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया एनसीए ने। वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला, हमने भरपूर उस केस का दिफा किया, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद एनसीए ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस एनसीए ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहाँ गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहाँ गया 500 अरब, वो कहाँ गए एसेट्स। यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि जी जो जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे से हमें रिलीफ मिले आप उनके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं, आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो एनसीए के खिलाफ एनसीए ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। अल्लाह की फजल से हम वहाँ से एग्जॉनरेट होके आए, कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि एनसीए ने क्या कहा कि एक पेनी और एक पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने एनसीए चार जुरिस्डिक्शन में गई, चार जुरिस्डिक्शन में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें, दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इन जुरिस्डिक्शन में एनसीए ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। उसके बाद आ जाएं डेली मेल के ऊपर, जो अभी 3 दिन पहले फैसला हुआ, डेविड रोज जो ऑथर था डेली मेल के आर्टिकल का, उसको, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, शहजाद अकबर उसको नैब लाहौर के सेल में लेके आया जब वो अकाउंटेबिलिटी का हेड था। डेविड रोज को नैब सेल में लेके आया जब शहबाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, हमजा शहबाज अरेस्टेड थे, हमारी बहन मरियम नवाज अरेस्टेड थी, ख्वाजा साद रफीक साहब और हमारे बहुत से साथी अरेस्टेड थे। उस सेल में ला के उसको झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी को प्लांट किया डेली मेल में और इंग्लैंड के अखबारों में उस स्टोरी को लगवाया। शहबाज शरीफ साहब ने सूट फाइल किया डेफेमेशन का, तौहीन का सूट फाइल किया इंग्लैंड में, और वो केस 3 साल चला। क्या नतीजा निकला उसका? उसके अंदर इल्ज़ामात थे कि जलजला जदगान के जो पैसे डिफिड ने, यूनाइटेड किंगडम ने फ्रेंडली बेसिस पे पाकिस्तान की मदद के लिए दिए थे, हमने उसमें करप्शन की, ये इल्ज़ाम था उसके अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे उसके अंदर जो डेविड रोज ने स्टोरी की। वो डेफेमेशन सूट अदालत में गया, वहाँ पे अदालत में डेफेमेशन सूट जाता है आपको पता है, और जस्टिस निकलन ने जो उसके ऊपर जो पहला जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए मीनिंग हेयरिंग के, वो हम जीते, और वो 2 साल पहले की बात है। और आज 3 दिन पहले आप देखें कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी।
इमरान खान को शर्म करो तुम, तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए, इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम 25,000 अरब, ये मैंने खुद हिसाब लगाया आके 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरन डेट में, पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा कि जी मैंने कर्जे लिए कर्जे वापस करने के लिए, ये झूठ है। पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, समझदार हैं, वो जाके इसकी तस्दीक करें। इसने अपने दौर में 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया, उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब होगा, उसके खिलाफ क्या एसेट्स बने, उसके उस पैसे के अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान में, ये कौम को जवाब दे। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी, ये वो चोरी, मैं चैलेंज करता हूँ इसको, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये घड़ी बेचने, उसके पैसे लाने, उसकी रसीद कौम को पेश करे, दिखाए वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई। ये घटिया चोर है, वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदे रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। हम तो कहते थे कि वेस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, ईस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, हम तो सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। इसने ये ढोंग और ये ड्रामा किया अमेरिकन साजिश का, अब अपना जो है वो कहता है गलती हो गई, हर चीज़ पे कहता है मैं गलती हो गई, गलती नहीं हुई, ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। साइफर के ऊपर इसकी ड्रामेबाजी सारे कौम के सामने आया हो गई कि ये कितना झूठा और गलत आदमी है। और तोशाखाना में देखें जो कुछ करके गया है, तो इसका इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है, हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये आए अदालतों में अपना मुकदमा फेस करे, इसके खिलाफ फैसला हो, कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो कब उसको उनका नतीजा निकलेगा, कब इसको सज़ा मिलेगी। जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये इतना घटिया आदमी है, ये खवातीन तक गया, ये अपना जो है फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इसने जो कुछ किया, मरियम नवाज साहिबा को इसने अरेस्ट किया, चादर और चार दीवारी का इसने ख्याल नहीं किया, हमारी पार्टी के साथ जो इसने हरकतें की, तो 4 साल इसने कोई गवर्नेंस नहीं की, 4 साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर इसने सारे मुल्क का वक्त बर्बाद किया और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे, इसके हम इसको स्पेस नहीं देंगे, ये किसी भूल में है, और इसको इंशाल्लाह इन केसेस का पूरा फॉलो अप होगा और इसको सज़ा होगी इंशाल्लाह। और एक बात और, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वज़ीर आज़म था, जो एनसीए का केस है वो एक टेस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टेरियन खान के केस का भी जवाब देना है, ये बताएगा कि टेरियन खान कौन है और इसका उससे क्या रिलेशनशिप है, और बताएगा कि ये कैसे सादिक और अमीन है। और मैं आज पूछता हूँ कि कहाँ है वो जावेद इकबाल, कहाँ है शहजाद अकबर, कहाँ है साकिब निसार, और कहाँ है वो मनी लॉन्ड्रिंग, एक पाई और एक पेनी की करप्शन मेरे बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, PMLN की लीडरशिप के बारे में बताए कौम को। ये 4 साल इसके पास ताकत थी, इसके पास 2 सूबे थे, इसके पास वजारत उज़्मा थी, इसका प्रेसिडेंट था, ये कहता नहीं थकता था कि FIA मेरे अंगूठे के नीचे है, IB मेरे अंगूठे के नीचे है, करता प्रोसिक्यूट, करता सारा कुछ। जब ये अपना प्राइम मिनिस्टर था, जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तब तो कहता था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल है। कौम भूल गई
केस ने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को वोट दिया था, बाद में ये परवेज मुशर्रफ को गालियां निकालता रहा। कौम भूल जाती है कि ये जनरल बाजवा को कहता था कि वो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासते मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया? ये है रियासते मदीना जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, जहां लूट मार। कल क्या हुआ केपी असेंबली में? कल वहां बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता, हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी पीटीआई के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पैनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं है ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी के एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो ग्राफ ज्वेलर जो है उसने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो जो यूएई से प्रेसिडेंट जो यूएई के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। तो ये शख्स बात करता है अपना जो रास्ते मदीना की इखलाकियात की बात करता है, ये कहाँ है फराग होगी? क्यों भगाया उसको? फराग होगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है तो लाए उनको, हम आ गए हैं अदालतों के सामने, आ गए हैं। 4 साल भी आपको भुगतते रहे, आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूफ करते, अब आप बार बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे, और इस कौम को आपको बताना होगा कि टीरियन खान कौन है, ये हम पूछ के रहेंगे। शुक्रिया। सलमान साहब बताइएगा कि वो कौन था जिसकी वजह से 4 साल आप पाकिस्तान नहीं आए, और आप अदालतों में ऐसा क्या बदल गया है कि आपको माहौल साजगार नजर आ रहा है? मैंने आपको इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि वो जो काला धब्बा अकाउंटेबिलिटी का जावेद इकबाल जो कहीं छुपा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है पाकिस्तान में, वो उसको बुला के कैसे ब्लैकमेल करता था ये FIA के DG बशीर मेमन साहब को कैसे ब्लैकमेल करता था ये शहजाद अकबर की करतूत जो है वो आपके सामने है। तो वो कोई माहौल था? मेरी फैमिली को अरेस्ट किया गया, हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जेल में रहे, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरियम नवाज साहिबा जेल में रहीं, राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ, शाहिद अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, किन किन का नाम लूँ मैं, किन किन का नाम लूँ मैं? तो पब्लिक ऑफिस, आज तुम रोते हो इमरान खान, आज तुम रोते हो कि जो पीरनी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं और फरा गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं? और बेशरम, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था? मैं तो नहीं था। क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ? मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर था? बताओ एक भी पेनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, करप्शन, किकबैक। तुम झूठ बोलते थे कि जी सुलेमान शरीफ ने चाइना से पैसे लिए, सुलेमान शरीफ ने टर्की से पैसे। मैं खड़ा हूं यहां पे, आओ साबित करो अदालतों में, साबित करो अदालतों में कि कौन सी करप्शन और किकबैक हुई। एक वापस आ गया है तो यहाँ रुक कर इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का इरादा है या वापस? अभी तक तो यार सियासत मेरे साथ हुई है, अब हम करेंगे। सर इमरान खान ये कहते हैं घड़ी मेरी थी, मैं जो मर्जी करता, जो चोरी नहीं की, और पूरी मुस्लिम लीग को एक घड़ी मिली है मेरी पूरी करप्शन की, कोई दास्तान नहीं। जबकि मियां नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में भी तोशा खाना के तोहफे बिकते रहे, और इस तरह तो आप कह रहे हैं KP जो है पूरी करप्शन की एक दास्तान है, ये जो फराग होगी भागी हुई है ये करप्शन नहीं है। आए ना जवाब दें, ये सबको इनको हिसाब देना पड़ेगा। KP में जो 2008 से होता रहा वो सबके सामने है, और इस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी करप्शन की दास्तानें हैं, वो इंशाल्लाह आएंगी सामने। अब इसको जवाब देना पड़ेगा,
बहुत जल्दी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो केसेस हम पे बने, इसके दौर में बने, इसके पास एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, अकाउंटेबिलिटी एजेंसीज थी, क्या हुआ? ब्लैक मिलिंग करके भी कुछ नहीं कर सका। शरीफ अहमदी करेक्टर एसोसिएशन होती रही कई सालों के तक, उसके बाद मरियम साहब भी आई, वो भी शुरू हुई, आप यहाँ पे आ गए। जो लोग आपकी फैमिली के ऊपर करेक्टर एसोसिएशन करते रहे, शहजाद अकबर है या इमरान खान है, उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जवेद इकबाल जिनके बारे में आप जिक्र कर चुके हैं, इन लोगों को इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को चार सालों में जो खेल तमाशा इन्होंने बनाया, जुल्म किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क का सोशल फैब्रिक, इस मुल्क का पॉलिटिकल फैब्रिक, इस पार्टी जो फैसिस्ट पार्टी है पीटीआई, ये एक फैसिस्ट पार्टी है और इसने पाकिस्तान का इखलाकियात तबाह की, पाकिस्तान की सियासत तबाह की, इनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। आए शहजाद अकबर, एक और बात आपके लिए, शहजाद अकबर साहब का ज़रा पता तो लें कहाँ पर हैं। वो पाकिस्तान से बाहर एक महल में